एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। टुडेज टॉपिक फ्लो ऑफ द बिल्डिंग परमिशंस मैनेजमेंट सिस्टम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिल्डिंग परमिशंस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, कैसे डिफरेंट स्टेप से होते हुए बिल्डिंग परमिशंस प्रोसेस होता है। आइए इनके बारे में जानते हैं। आज का यह वीडियो उन सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट स्टूडेंट के लिए है जो कि बिल्डिंग परमिशंस प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, साथ ही ऐसे व्यक्ति के लिए है जो कि अपने प्लॉट का परमिशंस लेना चाहते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बिल्डिंग परमिशंस मैनेजमेंट सिस्टम किस फ्लो में वर्क करते हैं? जब भी हम लोग किसी भी प्लॉट का परमिशंस लेते हैं तो बिल्डिंग परमिशंस डिफरेंट स्टेप से होते हुए हमें किसी भी प्लॉट का परमिशंस प्राप्त होता है। तो चलिए स्टेप नंबर फर्स्ट के बारे में जानते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में ऐसे एप्लीकेंट जो कि अपने प्लॉट का परमिशंस लेना चाहते हैं, वह bpms.sudacg.in पर जाकर रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट लिस्ट में से सिटीजन में सूचीबद्ध आर्किटेक्ट लिस्ट से अपने आर्किटेक्ट चूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन परमिट से रिलेटेड सभी प्रोसेस सिटीजन की ओर से डिपार्टमेंटल पोर्टल में रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के थ्रू ही किया जाता है। स्टेप नंबर सेकंड, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स bpms.sudacg.in पर जाके आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स अपने आईडी के थ्रू लॉगिन कर लेंगे एंड लॉगिन करने के बाद टीपी क्लाइंट ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होता है जिसे डाउनलोड करते हैं। टीपी क्लाइंट को डाउनलोड करने के बाद टीपी क्लाइंट को अच्छे से सेटअप करना होता है एंड टीपी क्लाइंट की हेल्प से हमें ड्राइंग का मार्किंग एंड वैलिडेशंस करनी होती है, जिससे कि हमें XML फाइल, टीपी वीडियो, टीपी फाइल, वैलिडेशंस रिपोर्ट जनरेट होता है। यह डॉक्यूमेंट्स बिल्डिंग परमिशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं। जब भी हम लोग बिल्डिंग परमिशंस प्रोसेस करते हैं तो अदर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ इन सभी डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करना होता है। उसके बाद आर्किटेक्ट पोर्टल की हेल्प से अपने प्रपोजल का स्टेप बाय स्टेप कमेंट्स देख सकते हैं। स्टेप नंबर थर्ड, सब इंजीनियर ड्राइंग को वेरीफाई करते हैं, फिर आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स BPMS पर जाकर प्री अप्रूवल फीस पे करेंगे। देन इसके बाद सब इंजीनियर सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे एंड कंप्यूटर साइट के थ्रू इन्फेक्शन करेंगे। सब इंजीनियर्स इसे अप्रूव कर असिस्टेंट इंजीनियर को फॉरवर्ड करेंगे। स्टेप नंबर फोर्थ, असिस्टेंट इंजीनियर्स ड्राइंग को चेक करेंगे के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर यदि डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार का मिसिंग है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो इसे कमेंट्स के करके रिसाइन को सौंप देंगे। स्टेप नंबर फिफ्थ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ड्राइंग को क्रॉस चेक करेंगे, फिर इसे जॉन कमिश्नर को फॉरवर्ड कर देते हैं। स्टेप नंबर सिक्स, जॉन कमिश्नर डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, फिर इसे सब इंजीनियर को फिर से फॉरवर्ड कर देते हैं। इसके बाद सब इंजीनियर्स पोस्ट अप्रूवल फीस को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स पोस्ट अप्रूवल फीस को पे करेंगे BPMS साइट पे जाके। जैसे ही आर्किटेक्ट के इंजीनियर पोस्ट अप्रूवल फीस पे करते हैं, कुछ दिनों में फाइनल सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाते हैं। स्टेप नंबर सेवेंथ में फाइनल अप्रूवल सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। इस प्रकार बिल्डिंग परमिशंस का प्रोसेस डिफरेंट स्टेप से होते हुए बिल्डिंग परमिशंस प्रोसेस कंप्लीट होता है। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
यदि यह वीडियो आपके लिए किसी भी टाइप से नॉलेजफुल रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही अपने सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।